सीएम योगी सत्ता की कमान संभालते ही महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लाख दावे भले ही किए हों, लेकिन चार साल बीतने के बाद आज भी लोग खौफ में जीने को मजबूर हैं। शासन प्रशासन में पैठ रखने वालों को आम लोगों पर शोषण करने और दबंगई करने का लाइसेंस मिला हुआ है। हम बात कर रहे हैं जालौन जिले के कालपी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मदारपुर की, जहां ग्राम प्रधान के दबंगई और हनक के आगे कानून के रखवाले भी नतमस्तक नजर आ रहे हैं और पीड़ित परिवार रोने को मजबूर है। जान से मारने की धमकी दे रहे थे, कह रहे थे कि मार दो जान से, प्रधान खुद कह रहे हो तो कि जान से मार दो, हम बचा दे हैं। और एक एक तो मर गो, एक रह गो है कहीं। अब पैसे 20,000 रुपए डरे थे इनकी जेब में, 20,000 रुपए निकाल लिए, मोबाइल निकाल लिया। किसने निकाला? कुलदीप ने और पवन ने पैसे निकाले। पवन के साथ में कितने लोग थे? कम से कम अते ऐसा ही थे 15-16 आदमी थे। किसी ने बीच बचाव नहीं किया? किसी ने नहीं, सब ने मारा, किसी ने नहीं। और हम लोग कोई नहीं, हम लोग खाली अकेले बैठे थे अपने घर में। घर से खाली खींचत खींचत ले आए, मोड़ी बना रही थी खाना, अब ऐसा दूर डरो हम तो थे तखत में, बस वही खींच के मारो वन से खींच के कहा नीचे, अम्मा के मन ले गए नीचे गठिया में। ऐसे चालम डरे थे, देखो सब सने तुम्हारे चाला से दोनों ने मारा। किन लोगों ने? पवन और कुलदीप और पप्पू, गौरव, देविंद, शिवम। जनता ने जनता के लिए जब गांव का सिरमौर बना दिया, पैठ और पहुंच से प्रशासन ने जब सिर पर चढ़ा लिया, सत्ता का मद और पत्रकारिता की जब ढाल मिली, तो अहंकार आना तो लाजमी है। छूट मिल गई किसी पर भी सितम ढाने की, फिर चाहे वो गरीब परिवार हो, महिलाएं हो या फिर बेटियां। कैमरे पर फूट फूट कर रोती इस महिला को तो आप देख ही रहे होंगे, बेसुध सी है, आरोप लगा रही है। घर में गांव का ही एक दबंग प्रधान अपने कुछ समर्थकों के साथ घुस आया, परिवार को जमकर मारा पीटा, बेटी के सीने पर चढ़कर कपड़े फाड़े, बलात्कार करने की धमकी दी। अपने आंखों के सामने पीटी जा रही महिला का पति जब ये सब नहीं देख पाया तो बचाने आ गया, लेकिन प्रधान और उसके समर्थकों ने उसे भी लहूलुहान कर दिया। पवन प्रधान ने मारा है। किस बात को लेकर? प्रधान ने क्या बात थी? कुछ बात नहीं थी, अच्छे से बैठे थे। अच्छे से बैठे थे हम सब लोग, बता रहे थे खींच के अंदर से मारो, मोड़ी के कह रहा हम इसकी बलात्कार करे, प्रधान खुद कह रहा हूँ, कुलदीप पवन। और वो खाके हमारे छाती में चढ़ के मारो पूरो। क्या क्या बेटा? छाती में चढ़ के मारो। किसने मारा आपको? पवन ने। किस बात को लेकर? कुछ बात नहीं थी ऐसी, सबने घर में बातें कर रहे थे। क्या क्या बोल रहा था पवन? पवन बोला तो कि छेड़खानी करेंगे। पवन कौन है मेरा? पत्रकार प्रधान है। प्रधान पत्रकार प्रधान है। और क्या क्या बोला? कह रहा मार दे उन सारे लोगों को, इनको कोई न रहने दो इस घर में। हमारा कुछ नहीं कर पाएगा प्रधान, ये कह रहा था। अच्छा अच्छा, किसने पैसे ले लिए बेटा? मोबाइल ले लिया लिए? पवन पत्रकार। पीड़ित परिवार अपने ऊपर हुए सितम की शिकायत लेकर थाने गया तो वहां पर भी ग्राम प्रधान की रसूख के आगे निराशा हाथ लगी। पीड़ित महिला ने कोतवाली में लिखित तहरीर दी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। सब हम घर बैठे थे जी, और हमको नाम उन लोगों ने आगे पकड़ के घर से खींच के बाहर मारने लगे। कौन लोग? पवन बोल रहा था कि हमारे यहाँ में मेरे हाथ में प्रशासन है और मैं प्रधान भी हूँ, पत्रकार भी हूँ। अच्छा। और वो क्या नाम है, तो सब पूरा घर आए के 10-12 लोगों ने मारा हम लोगों को। अच्छा, किस किन किन लोगों को मारा? हमारी औरत को मारा, द्रौपदी को। हाँ। और हमको मारा, हमारी लड़की को मारा, लड़के को मारा। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ? आपने प्रार्थना पत्र दिया? अभी प्रार्थना पत्र नहीं दिया, देने जा रहे हैं प्रार्थना पत्र इधर भी रही है। और वो उसके आदमी आए थे, मेडिकल में बैठते हैं वो लोग, तो वो आया तो उसका आदमी वो आप मना कर गया, डॉक्टर ही नहीं होना चाहिए, और अगर ये ज़्यादा जी कुछ करें ध्यान से मार देंगे। कौन बोला? पवन। अच्छा, पवन प्रधान। अच्छा।
पत्रकार भी है, पवन प्रधान है वही। मैं जब जा रहे थे वहाँ पे क्या नाम है कोतवाली एप्लीकेशन देने रिपोर्ट लिखाने जी, तो वो पहले तो उन्होंने छेड़ा हाँ। जाने नहीं दिया, तो पड़े खाना दाएँ बाएँ से हमें ले आए लोग धर के हाँ। उसके बाद क्या नाम है जब कल चिल्लाने लगे कि कहाँ से जाओ, कहीं कोतवाली चले जाओ, चाहे उरई चले जाओ, कहीं चले जाओ, कप्तान साहब और सीओ साहब मारी में और कोतवाली मारी मिट्टी भी है, लोग होंगे तो हम क्या करेंगे, हमारी बिटिया के और औरत को बिटिया कपड़े फारे और बिटिया को मारा छाती में चढ़ के, और कनाब में औरत को मारा, हाथ पांव टूटे, हम लोगों की बसरी पसरी सब टूटी। दो घंटे दो ढाई घंटे हो गए अस्पताल में हमको, और कोई सुनाई नहीं हो रही है। पीड़ित परिवार लगातार पुलिस की चौखट पर इंसाफ की गुहार लगा रहा है, दबंग प्रधान के दबंगई के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है, लेकिन पुलिस है कि इंसाफ देना तो दूर, एक अदद FIR लिखने में भी आनाकानी कर रही है। अब सवाल यह है कि जिस पुलिसिंग को लेकर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार विभाग की पीठ थपथपाते नजर आते हैं, वो पुलिस एक पीड़ित परिवार को इंसाफ देने के बजाय ग्राम प्रधान के रसूख के आगे नतमस्तक क्यों नजर आ रही है? NTTV भारत के लिए जालौन से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।